20वें ओवर की शुरुआत होती है, यश दयाल ने एमएस धोनी को गेंद डाली और थोड़ा धीमा भी था बॉल। एमएस धोनी ने इस मौके का फायदा उठाया और इसे फाइन लेग की बाहर की ओर जोरदार छक्का लगाकर स्टेडियम से बाहर 110 मीटर का छक्का लगा दिया। और इसी के साथ 20वें ओवर की जो दूसरी गेंद थी उस पर आता है एक शानदार मोड़, जिस पर यश दयाल ने एक और गेंद को डाला और इस गेंद पर एमएस धोनी को आउट किया। एमएस धोनी को वापस पवेलियन की तरफ जाना पड़ा और यहीं से आरसीबी की उम्मीदों को और जोर मिलने लगा। आपको इसी के साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो गेंद यश दयाल ने डाली थी, इस पर महेंद्र सिंह धोनी ने जोरदार बल्ले को घुमाया तो वो गेंद हवा में काफी देर तक ऊपर उड़ी रही और नीचे जो फील्डर थे वो सवनील सिंह थे, उन्हें भी काफी प्रेशर फील हो रहा था। लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में सवनील सिंह ने खुद को संभाला और अपने दोनों हाथों से कैच को लपक लिया और महेंद्र सिंह धोनी को इसी के साथ पवेलियन में लौटना पड़ा।